नमस्ते, मेरा नाम है अविनाश और आप सभी का हमारे चैनल पर दोस्तों स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मुकाबला खेला गया, सभी को पता है कि टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन अगर आप पहली इनिंग्स देखेंगे भाई, यानी कि भारत की इनिंग्स देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हार्दिक पांड्या ने जिस तरीके से मोहाली के मैदान पर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को धोया है, जन्मों तक याद रखेंगे। लेकिन उसके बाद जब ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने या इंडियन गेंदबाजों को धोया है, वो भी जन्मों तक याद रखने वाली बात है। दरअसल पारी का आखिरी ओवर था, 20वां ओवर था और भारत एक अच्छे टोटल्स की तरफ बढ़ रहे थे और दिमाग में ये लेकर चल रहे थे भारतीय बल्लेबाज, यानी हार्दिक पांड्या स्ट्राइकर एंड पर थे, वो उनके उनके समझ में ये था कि भाई हमें 200 का आंकड़ा तो पार करने ही है करने हैं। और कुछ हुआ कुछ ऐसे ही, क्योंकि आखिरी ओवर में जो है टोटल 21 रन मारे, जिसमें से 3 छक्के हार्दिक पांड्या ने लगातार मारे और ये छक्के देखने लायक थे। कैमरन ग्रीन जो है इन्होंने हर्षल पटेल को पहली गेंद डाला तो हर्षल पटेल ने 1 रन पहली गेंद पर लिया। दूसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने कोई रन नहीं बनाया। दूसरा फिर तीसरी गेंद पर 2 रन जो है हार्दिक पांड्या ने चुरा लिए। फिर चौथी गेंद पर छक्का, पांचवी गेंद पर छक्का और छठी गेंद पर भी छक्का। तो इस तरीके से 18 रन सिर्फ छक्के से बने, उसके बाद 1 सिंगल और 1 डबल, यानी कि टोटल 21 रन जो है कैमरन ग्रीन के ओवर में लगे। और हम लोगों को लगा कि टीम इंडिया तो अब आसानी से मुकाबला जीत ही जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं था। कैमरन ग्रीन ने जितना मार खाया उससे कहीं ज्यादा उतार भी दिया और शानदार अर्धशतकीय उन्होंने पारी खेली, अपने T20 करियर की पहली अर्धशतकीय पारी खेली मोहाली के मैदान पर और अपनी टीम की जीत में उन्होंने अहम भूमिका भी अदा की। 4 विकेट से ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया और कैमरन ग्रीन को प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया है। इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए स्पोर्ट्स चौक के साथ बने रहिए। जय हिंद।